कंस्ट्रक्शन 11.3, ये एक्सरसाइज नहीं है, 11.3 एक्सरसाइज है, 11.2 ठीक है। तो इसमें देखेंगे और फिर 11.2 का अलग वीडियो बनाएंगे एक एक क्वेश्चन का, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसमें, टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, मतलब क्या रहे, एक सर्कल बनाओ आप कितनी भी रेडियस का भी, तो खैर ये क्वेश्चन नहीं है, थ्योरम है, तो मैं आपको ऐसे ही 3-4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, रेडियस का। उसके बाहर एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक सर्कल, क्या बनाते हैं, सर्कल ट्राई करेंगे, ठीक है जी। अरे रुक जा यार, चलो समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा लूज हो गया ये। सर्कल में कोई डाउट बताओ ना, सर्कल में कोई डाउट, सर्कल में डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ इस तरीके से रहा होगा ये, चलो ये हमारे पास एक सर्कल आ गया, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस रही होगी, इसका मतलब सेंटर है, ठीक है। इस सर्कल के बाहर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, सपोज मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है जी। अब इस पॉइंट से इस सर्कल पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है जी, यूजिंग कंपास का, और 10th क्लास में डी का यूज नहीं करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज नहीं करेंगे, कंपास वंपास से सारे एंगल वगैरह बनाएंगे। तो ये सेंटर, इसका नाम चलो ए देते हैं, और ये हमारे पास का एक पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल इट इज बी, लेट कर लिया, ज्वाइन ए बी, ए से बी को ज्वाइन किया, तो ये हमारा हो गया ए बी, क्लियर है भैया, पक्की बात है, अच्छा जी। अब क्या करना है, ए बी का बाइसेक्टर बनाना है, ए बी को बाइसेक्ट करेंगे ना जरा, ए बी को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, हम लोगों ने क्लास 6 में सीखा है, लेकिन फिर भी रिवीजन हो रहा है तो थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा आपको। तो देखो कैसे, देखिए ये हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, जो इसका हाफ है उससे थोड़ा सा अधिक डिस्टेंस लो, जो हाफ है उससे थोड़ा सा अधिक, अगर कम लोगे तो ये इनके आर्क जो हैं वो कट ही नहीं होंगे, इसलिए टीचर बोलते हैं कि आधे से अधिक डिस्टेंस दो। तो अनुमान से आप देख कर, क्या ये डिस्टेंस आधे से अधिक नहीं है, बिल्कुल है, तो कुछ नहीं करना है, एक आर्क लगा दो यहाँ पे और एक आर्क लगा दो यहाँ पे, ठीक है जी। अब उतना ही डिस्टेंस रखना है, डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं करना है। अब बी को सेंटर लो और ये आर्क लगाओ, ये और ये, क्लियर है, यस और नो। अब क्या करना है, इन दो आर्क को आप ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दिया, तो ये जो पॉइंट लेट सी, तो ये कैसा पॉइंट है भैया, ये ऐसा पॉइंट है कि ए सी बराबर बी सी, मतलब ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, क्लियर है जी, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें। अब देखो आपको क्या करना है, अब सी को सेंटर लेके, सी को सेंटर लो और बी तक का डिस्टेंस लेके एक आपको सर्कल बनाना है, क्या बनाना भैया, सर्कल बनाना है। तो ये हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, किसको सेंटर लेके, सी को सेंटर लिया हमने, किसको सेंटर लिया भैया, सी को सेंटर लिया इस पॉइंट को। अब इस वाले सर्कल ने जो अभी बना है, पुराने वाले सर्कल को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या किया, कट किया, के लिए अब कुछ नहीं करना भैया, बस ये बी पॉइंट से इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे और ये ऐसे, तो ये हमारे दो टेंजेंट आए, इसका नाम दो ए बी सी डी और ये ई, तो जो दो हमारे टेंजेंट आए हैं क्या, बी डी और ये क्या है, डी बी ई, और इनकी जो लेंथ है वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है सर्कल में कि किसी भी सर्कल के अगर आउटसाइड आप कोई पॉइंट लेते हैं और उससे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ आपस में हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, हम लोगों ने बाकायदा प्रूफ भी किया, कोई डाउट इसमें। तो ये कंस्ट्रक्शन 11.3 है, ये कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं था, एक्सरसाइज तो अब कराएंगे, मतलब आपको इस टाइप के, अब आपको सर्कल के क्वेश्चन इस टाइप में मिलेंगे, कोई दिक्कत, पक्की बात है, आकर बताओ कोई डाउट, क्लियर है, हटाएं इसको फिर, आर्यन पक्की बात है, चलो सिंपल था यार, टफ नहीं है, देखते अब नेक्स्ट।